जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुसाफिर लोग ऑफिशियल। उम्मीद है कि सारे दोस्त फ्रेंड्स गाइस बेहतर अच्छी कंडीशन में होंगे। तो जी मैं एक दोस्त के घर आया था, उनकी बेटी का इंतकाल हुआ है, उनके हाँ कंडोलेंस और उसके लिए फतेह खानी के लिए जी। तो अब उसके बाद ये एक नया रास्ता, मैंने कहा चले इधर से चलते हैं, रास्ते तो दूसरा अच्छा हाईवे श्रीनगर हाईवे से आते हुए आए, तो जाते हुए चले मैंने कहा ये एक नया एक आपको रास्ता ये दिखाते हैं। चले ये सराय खरबूजा रोड है जी, तरनोल से ये E11 की तरफ निकलती है, बड़ा जिक्र सुना था इसका, तो चले मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं, कहते हैं व्यूज़ इसके अच्छे हैं। मारगला रोड के मारगला हिल्स के बिल्कुल दामन में ये साथ साथ रोड है, तो चलें दिखाते हैं आपको व्यूज़। या ये देखिए चेक करें, व्यूज़ चेक करें पहले आप, गाइस देखें व्यूज़ देखें, कमाल क्या बात, वो पीछे मारगला की पहाड़ी क्या बात, जंगल देखें ये बीच में। चलें जी गाइस सराय खरबूजा के व्यूज़ चेक कराऊँ आपको, थोड़े थोड़े व्यूज़ चेक करने हैं गाइस, ज़्यादा नहीं चेक करने हैं, ठीक है? हाल तो रोड कंडीशन कोई अच्छी नहीं है, लेकिन बस आप व्यूज चेक करें। प्लाट गाइस यहाँ भी बड़े बड़े महंगे हैं दोस्तों, मैंने पूछा है यहाँ भी कोई 5.5-6 लाख का प्लाट है पर मरला जी, एडा सोखा काम भी नहीं है। ये जी हम लोग चल रहे हैं सराय खरबूजा रोड पे, 600 मीटर्स के बाद आपको नए व्यूज दिखाते हैं जी, आप चेक करें व्यूज चेक करें। ये जी गाइस रेलवे ट्रैक है, ये हरिपुर हवेलियां वाला चेक करें गाइस, खरबूजा के ऊपर ये देखें जी अभी खेत और कंस्ट्रक्शन मिक्सचर बंद है गाइस, बंद जी गाइस, D12 में दाखिल हो चुके हैं हम लोग जी, D12 नेविगेशन पे चल रहे हैं। व्यूज चेक करें आप, पहले भी देखे थे आप भी देखें,
ये कोई सड़क बन रही है जी गाइस, पता नहीं कौन सी बन रही है। सामने बारहला व्यूज चेक करें, वारगला की पहाड़ियों के व्यूज चेक करें, मौसम देखें कैसा खुशगवार हो रहा है। अब है गाड़ी के अंदर, बाहर का मौसम ठीक है गाइस। डी 12 से हम गुजर रहे हैं, अब E11 में आ गए गाइस। बस व्यूज चेक करें गाइस, आप खूबसूरती चेक करें। E11 नॉर्थ सर्विस रोड, E11 व्यूज चेक करें जी। बुफेलोज रूरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद, बुफेलोज ये देखें, ये बन रही है रिंग रोड, बन रही है शायद, क्या बन रहा है इसका बात, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे।